अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जी कि मशीन 430 एफ बार टेक के अंदर काउंटर को कैसे चलाया जाता है। अभी आप जैसे देख रहे थे, हमने मशीन को ऑफ़ किया और सेलेक्ट प्लस टच के बटन पे हाथ रखा, मशीन को ऑन कर दिया, प्रोग्राम के अंदर आ गई और हम चले गए अब प्रोग्राम नंबर 300 पे। अभी देख रहे हैं आप जी, ऊपर ऑफ़ लिखा हुआ है, ऑफ़ को हमने ऑन किया। ऑन करने के बाद साथ ही हमने इंटर का बटन दबा दिया, ठीक है। इंटर ये ब्लिंक करना बंद हो गया, फिर हमने साथ ही टेस्ट का बटन दबा दिया। जब टेस्ट का बटन दबाया, मशीन वापस प्रोग्राम के अंदर आ गई और आप देख रहे हैं जी ऊपर काउंटर की फिगर शो हो रही है, यानी कि 232, ठीक है। तो इस तरह करके हम जो है ना 430 एफ के अंदर काउंटर को ऑन करते हैं, ठीक है। अभी काउंटर को ऑन करके हमने आपको दिखा दिया। अभी दोबारा फिर हमने मशीन ऑफ़ किया ताकि आपको अच्छी तरह से ये याद हो जाए, अच्छी तरह से आपको पता चल जाए कि इसको कैसे किया जाता है। सेलेक्ट प्लस टेस्ट का बटन दबा के मशीन को फिर उसी तरह ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद दोबारा वापस हम उसी तरह ही प्रोग्राम नंबर 300 पर चले गए। अभी आप देख रहे हैं ये ऑन है, अभी हम इसको ऑफ़ करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। अभी ऑफ़ किया, इंटर किया, ब्लिंक करना बंद, साथ ही टेस्ट का बटन दबा दिया, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं जी कि काउंटर जो है ना वो आपका ऑफ हो गया, ठीक है। 00 लिखा आ रहा है, अब काउंटर नहीं चलेगा, ठीक है। तो अभी यही प्रोसीजर हम दोबारा फिर दोहराएंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं जी मशीन को ऑफ़ किया, अभी फिर हमने ऑन किया। ऑन करने के बाद सेम सेलेक्ट प्लस टेस्ट का बटन दबाया, साथ ही हम प्रोग्राम नंबर 300 पे जा रहे हैं। लो जी, हम 300 नंबर प्रोग्राम पर आ गए और आगे हमने यहाँ पे आके फिर इसको ऑन किया। ऑन करने के बाद इंटर, ब्लिंक करना बंद हो गया, साथ ही टेस्ट का बटन दबा दिया। टेस्ट का बटन दबाने के बाद मशीन प्रोग्राम के अंदर आ जाती है, वही काउंटर शो हो गया। अभी आप देख रहे हैं जी कि हम मशीन को चला रहे हैं और साथ साथ काउंटर शो हो रहा है।